नहीं नहीं चल अज ना ही लग रही है अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। तो अभी भी जब बज चुके हैं शाम के 4 और मैं जाने लगा हूँ बाइक राइड पे। तो आज मैंने सोचा है काफी दिनों के बाद जो मोटो व्लॉग है वो भी करते हैं, और बाइक काफी दिनों से स्टार्ट नहीं की तो वो उसे भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा थी तो जिसकी वजह से मुझे शक है कि उसकी बैटरी है वो पहले भी ड्रेन थी तो अब कुछ ज्यादा ड्रेन हो गई होगी, तो उसे स्टार्ट करना भी लाजमी है। कोई हफ्ते में एक आध मरतबा तो स्टार्ट हो। तो अभी उसे निकालते हैं बाहर, और अपना हेलमेट है ये भी उठा लेते हैं, तो इस पे करते हैं मोटो व्लॉग भी आज। तो आज की वीडियो, अगर अभी हद तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं ना किया हुआ तो पहले सब्सक्राइब करें, तो फिर आए तो निकालते हैं बाइक को बाहर और देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं होती। तो अभी बाइक है वो उसका फ्यूल भी चेक करते हैं, पेट्रोल है कि नहीं है इसमें, तो साफ भी मेरा ख्याल करनी पड़ेगी कि नहीं पता नहीं, तो इतनी ज़्यादा गंदी तो नहीं है, चल जाएगा काम। तो अभी पेट्रोल चेक करते हैं पेट्रोल कितना है इसमें, तो इसके मीटर से ही पता चल जाता है कि पेट्रोल है कि नहीं है। तो ये होता है यहाँ से पता चलती है इसकी स्पीड कि स्पीड कितनी है, और ये उसने बताया हुआ कि ये अब तक कितनी चल चुकी है, और यहाँ पे टाइमिंग शो कर रहा है और इधर जो है वो गियर शो करता है। तो अभी न्यूट्रल पे है बाइक, तो यहाँ पे जो ये ब्लिंकिंग कर रहा है ये पेट्रोल का बता रहा था, इसका मतलब है कि पेट्रोल बाइक में बिल्कुल भी नहीं है, तो पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा। तो अभी इसे चला के देखते हैं सल्फ लगा के कि स्टार्ट होती है कि नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल खामोशी है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। तो मतलब ये है कि ना ही, जिसे कहते हैं ना ही है वही है। हाँ ये देखें, बिल्कुल खामोशी। तो अभी बाहर देखते हैं कोई मिलता है तो उससे कहते हैं कि बाइक मेरी से स्टार्ट करवा दे, तो उधर कल आना पड़ेगा। अभी इसे बाहर निकाल देते हैं। तो अभी इसे स्टार्ट करके देखते हैं, बाहर तो नज़र भी कोई नहीं आ रहा इधर उधर, तो ये एक बच्चा ही खड़ा है देख रहा है मुझे, और बंदा ही कोई नहीं है यहाँ पे, क्या करें कैसे स्टार्ट करें। तो अभी देखते हैं स्टार्ट करके, जब तक कोई आता नहीं है तो नज़र नहीं आता, तो उस वक्त तक इसे साफ कर लेते हैं एक मरतबा। अभी तो गली में कोई भी नहीं नजर आ रहा, तो इसे अली की दुकान पे लेके चलते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई लड़का नजर आ जाएगा तो वो धक्का लगा देगा, नहीं तो हाफिज अली जो है वही धक्का लगवा देगा। अभी एक मरतबा दोबारा कोशिश करके देख लेते हैं कहीं स्टार्ट हो के गलती से हो ही ना जाए। तो वो आ गया अभी, धक्का लगा यार, माड़ा या धक्का, छोटा या धक्का। तो अभी एक दोस्त मिल गए, अल्लाह अल्लाह की तरफ से मदद आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेज 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 तेज, थोड़ा और तेज, चल नहीं नहीं चल अज ना ही लग रही है। तो अभी फाइनली बाइक स्टार्ट हो चुकी है काफी धक्के लगाने के बाद। अभी मैं बाइक राइड करके घर आ गया हूँ, तो सर्दी काफी ज्यादा लग रही थी तो हीटर चल रहा था घर, तो मैं अभी बैठ के हीटर सेक रहा हूँ। तो हीटर सेको या धूप सेको तो सुस्ती पड़ जाती है, तो अभी मेरा हीटर के सामने से उठने को दिल नहीं करा, तो अभी मैं अपने रूम में जाना है, व्लॉग भी एडिट करना है, तो अभी यहाँ से उठने का दिल नहीं करा। तो अभी देखता हूँ जितनी देर अभी सेकते हैं हीटर, तो बाद में फिर मैं उठ के अपने रूम में चला जाऊंगा, वहां पे आज व्लॉग एडिट करेंगे। तो अभी बच चुके हैं तकरीबन 6:15 हो गए हैं, तो मैं अभी एक ब्लॉग है वो अपलोड में लगा दूंगा, और दूसरा ब्लॉग है वो एडिटिंग पे लगा दूंगा। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ब्लॉग जो है मेरे थोड़े से
ऐसे तैसे हैं, तो अगर आप मेरे व्लॉग देखना पसंद करते हैं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, तो क्योंकि जिंदगी अभी थोड़ी सी बोरिंग चल रही है, तो उस हिसाब से फिर मैं व्लॉग जो है वो कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को पुश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा कि मैं व्लॉग बनाऊं, तो इस वजह से जो मेरे व्लॉग्स हैं वो इसी तरह के होंगे। तो अभी पहले मैं अपना जो व्लॉग है वो एडिट कर लूं। अभी मैं अपना व्लॉग जो है वो एडिट कर रहा था, तो एक बात पता चली कि जितनी ऑडियो मैंने रिकॉर्ड की थी मोटो व्लॉग में, तो वो सारी ऑडियो है वो खराब हो गई है, सारी ऑडियो, तो जिसकी वजह से अभी मैं एडिटिंग की है और मैंने उसकी जगह साउंड लगा दिया है, तो वो सारा मोटो व्लॉग है जो मेरा खराब गया, तो पता नहीं क्या वजह बनी है, माइक घर से जब चलाऊं तब तो मेरा चल रहा था, बाद में क्या मसला बनाया है तो कुछ समझ नहीं आया, बहुत ज्यादा वो आ रही है, शोर आ रहा है उसमें, तो जिसकी वजह से मुझे सारे जो आइडिया है वो खत्म करके तो उसपे लगाना पड़ा है साउंड म्यूजिक। तो अभी मैं व्लॉग जो तकरीबन मेरा एडिट हो गया, तो अभी नीचे जा के देखते हैं कि हलवा बना है कि नहीं बना बेसन का, तो फिर वो चेक करते हैं खाते हैं। मैं ऊपर से नीचे आया हूँ देखने के लिए हलवा बना है कि नहीं बना, तो अभी ये हो रहा, तो अभी मतलब काम शुरू ही नहीं हुआ, तो मैंने ला कर दे दिया था, तो अभी देर टाइम लगेगा इसमें। तो अभी ये बेसन है उसे भून लिया अच्छी तरह से, तो आप रंग देख सकते हैं किस तरह का। तो अभी यहाँ पे ये जो कहते हैं कोकोनट है, क्या कहते हैं इसे, तो अभी इसे मैं कद्दूकस करने लगा हूँ, तो अभी इसे कद्दूकस कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह जो हलवा हमारा वो तैयार हो जाएगा, तो अभी इसे कद्दूकस करने लगा हूँ। तो ये जो था हलवा बनने वाला, इसमें जो कोकोनट है वो डाल दिया, और ये जग में अंडा है और चीनी है वो हमने अच्छी तरह से ग्राइंड करके अभी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। तो ये सारा डल चुका है, तो अभी इसे चूल्हे पे रख के अच्छी तरह से भून लेना है और हलवा तैयार हो जाना है, तो अभी इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं, फिर इंशाल्लाह फिर खा के बताएंगे कैसा बना है आज का हलवा हमारा। हलवा जो है वो बन चुका है, तो इस तरह का होता है बेसन वाला हलवा, तो कोकोनट डाल के बेसन डालना है और अंडा डालना है, तो इस तरह का हलवा बन जाता है, काफी ज्यादा मजेदार होता है। वैसे इसका रंग जो मुझे लग रहा है काफी ज्यादा ब्राउन हो गया, पता नहीं भून ज्यादा दिया है कि क्या मसला है, तो ये थोड़ा सा येलो येलो होता है आज, ब्राउन ज्यादा हो गया। अभी मैंने थोड़ा सा हलवा जो है वो डाल लिया, तो अभी खा के चेक करने लगा हूँ, तो यार ये गली में कुत्ते भोंगे जा रहे हैं, चुप कर जाओ यार, तो अभी ये मैं चेक करने लगा हूँ, तो चेक करते हैं जायका कैसा है इसका, तो साथ चाय पीते हैं, तो अभी एक चम्मच चेक करके देखता हूँ। मजा बन गया, टेस्टी है, सर्दियों में खाने के लिए काफी ज्यादा अच्छा है ये, आप भी घर बना के देखें कभी अगर आपको रेसिपी आती है, नहीं तो इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं आप रेसिपी, और रेसिपी देख के बनाएं, बड़ा मजा बनता है ये हलवा भी। तो अभी मैं अपने रूम में वापस आ गया हूँ, तो मैं अभी जो व्लॉग रहता है एडिट करने वाला वो एडिट करूंगा, तो एडिट करके अपलोड करके तो इंशाल्लाह फिर सोने चले जाऊंगा। तो अगर आपको आज वाला मेरा व्लॉग भी अच्छा लगा है तो इस व्लॉग को भी लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ, और वीडियो को करें लाइक। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।